तो सलाम सत श्री अकाल अदाब कैसन बानी जरा सब। दरअसल आज हम बात कर वाला बानी रोटी फिल्म के बारे में। अब वहाँ लोग इनको हम कि रोटी फिल्म के का ट्रेलर आवे वाला बा तो ना ध्यान से धरी जा और सुनी जा, वीडियो के अंत तक जरूर देखी जा और चैनल बनाया बानी जा तो सब्सक्राइब कर लीजिए जा, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई जा, बाकी संग मित्र दौड़ते आज संग भी शेयर कर जा। कहाँ है कि रोटी फिल्म अब इंटरनेशनल अवार्ड खातिर जाए वाले भी है तो एक से फिल्म से जुड़ल हर एक वो अपडेट बताई, हर एक चीज़ बताई पूरा बारीकी तरीका से। तो चलिए फटाफट एगो काम जो कहनी होगा कर लीजा और हमने के अब वीडियो चालू कर दिया जा जो फिल्म का नाम बा रोटी। एक्चुअली रोटी फिल्म देखी तो पोस्टर काफ़ी कमाल के बटे और एक शूटिंग भी बहुत ही नेचुरल अंदाज में कल गई बटे। दरअसल यही के मतलब पूरा तथ्य और मद्देनजर रखते हुए ये फिल्म के इंटरनेशनल अवार्ड खातिर भेजल जाए वाला बटे और भेजल जाए वाला का बटे। ये फिल्म के भेजे के हर एक प्रक्रिया के पूरा कर ले गुल भी और एक के भेजे के तैयारी बना दिल गुल बटे। लेकिन बता दी रहूँ वाला इनके कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा के कोनो इंटरनेशनल अवार्ड नहीं के मिलल, जबकि एक से छोटे छोटे इंडस्ट्री चाहे वो बंगाल इंडस्ट्रीज हो चाहे तमिल तेलुगु सभी इंडस्ट्री हो सब इंडस्ट्रीज मतलब इंटरनेशनल अवार्ड पा चुकल भी। लेकिन भोजपुरी के इतना बड़का मार्केट होते हुए इतना बड़का मतलब मार्केट के एगो हब बाटे, लेकिन फिर भी आज तक कौन भोजपुरी सिनेमा अभी तक इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में शामिल नहीं हो पाए। आखिर का कारण बा, कहाँ चूक रहेला, का जगवा के मेकर्स लोग खाली मतलब आवाल बवाल वाली फिल्म बनावे पर ही मतलब विश्वास रखे लन जा कि रीजनल फिल्म पर भी फोकस डाले लन जा, उ तो अब तक पता चली है गुल बटे। तो फाइनली रोटी फिल्म के अगर भेजल जाता इंटरनेशनल अवार्ड में तो कितना ही कारनामा कर पाओ, तो काहे कि ये फिल्म के हीरो भी कुणाल तिवारी भी शेयर कैले बड़न कि इंटरनेशनल अवार्ड में हमार फिल्म जा रहा बा। फिल्म के हीरोइन काजल यादव भी कह रहा बड़ी कि फिल्म जा रहा बटे और भोजपुरी के मीडिया में भी एक कार्यक्रम चालू हो चुकल बटे कि एक फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड में जा रहा बटे। दरअसल ये फिल्म के अभी तक ट्रेलर भी सामने नहीं आई, अब वो का बात बटे खाना आई कर बारे में हमने के बताओ तनी, का इंटरनेशनल फिल्म में जाए से पहले ट्रेलर रिलीज ना होला या फिल्म रिलीज ना होला, अब एक बारे में हमारा कोनो खासा ख्याल नहीं है। तो फाइनली ये फिल्म का इंटरनेशनल अवार्ड जीत के आई या उसमें शामिल भी कल जाए ई देखल बाकी बटे, बल्कि छटाई कि ना छटाई वो अलग के बात बा। यही तरह के पिछला साल भी एगो ऐसा है काम कई गो रहे प्यारी दादी माँ जौन फिल्म रहे ओकरा के पोस्टर ही इतना कमाल के बना रहे कि जौना के इंटरनेशनल अवार्ड में भेजे खातिर हंगामा हो गई। लेकिन वो फिल्म के बारे में पता ही ना चल कि फिल्म आखिर गोइल कि ना गोइल कि एनी रह गोल कौन आखिर गोइल कि शामिल ना कल गोल और कुछ हो अपडेट ना दिल गोल। लेकिन जाए कहती तो खूब मतलब डिंग हाकल गोल कि देख जाए लगल गोइल गोइल गोइल, लेकिन कुछ हो ना हो। का ए फिल्म के साथ भी वही तरह के मजाक हुई या मतलब भोजपुरी के उ दर्शक लोग के मतलब एगो मजाक के पत्र बना दिए गोल कि कौन चीज़ के लेके मतलब हो वाला कर दो और काम कुछ हो ना, का ऐसा ही हो कि ना हुई उ तो वक्त आई तो हम लोग इनके जरूर में जरूर बताए। दरअसल बता दी कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक खुद धीरेन्द्र कुमार झा बानी, फिल्म के लेखक ओम प्रकाश यादव बानी। अब कितना सुंदर लिखले बानी कितना ना उ तो वक्त बताई, कहे कि बतावल जा रहा बा कि ये फिल्म 70 के दशक के स्टोरी पर आधारित बटे जो में भूख गरीबी शिक्षा जातिवाद जातिपात भेदभाव ऊंच नीच सब कुछ इमें देखे के मिले वाला बटे। अब कितना एकरा के एक्सेप्टेबल कैली उ तो वक्त बताई। फाइनली में स्टार कास्ट में कुणाल तिवारी काजल यादव प्रकाश जैस और भी तमाम कलाकार लोग दिखाई देवे वाला बर्थडे। तो फाइनली इतना ही बा अपडेट, समय समय से एक फिल्म से जुड़ल जितना भी अपडेट आई हम रहुआ लोग उनके जरूर दीजिए, काहे कि हर एक छोट बड़ खबरिया पर रहेला सबसे पहले हमारा नजरिया, बाकी हम जी।